वेलकम टू आवर चैनल पीरा आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम आपको फ्लावर हेयर क्लिप बनाना सिखाएंगे फोम क्ले से। तो पहले हम इसके बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे, फिर हम इन बॉल्स को प्रेस करके एक सर्कल का शेप देके फिर हम इसे इसके कॉर्नर से इसे फोल्ड कर देंगे। फिर हम ऐसे ही इसका फर्स्ट पेटल रेडी हो गया, ऐसे ही हम बाकी के पेटल्स बनाएंगे। सेकंड पेटल के लिए भी हम ऐसे ही प्रेस करेंगे, उसके कॉर्नर से उसको फोल्ड कर देंगे, फिर ये सेकंड पेटल हमारा रेडी हो गया। ऐसे ही फिर हम थर्ड पेटल बना लेंगे इस फ्लावर का प्रेस करके। ऐसे ही फिर हम फोर्थ पेटल भी बना लेंगे। और अब हमारे ये सारे पेटल्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसको अटैच करेंगे। फर्स्ट पेटल को सेकंड पेटल से हम ऐसे ही अटैच करते हैं कर सकते हैं, हमें फेविकॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम इसे ऐसे अटैच कर देंगे, फिर थर्ड पेटल अटैच करेंगे, फिर ऐसे ही फोर्थ पेटल को भी अटैच कर देंगे, फिर हम फिफ्थ पेटल अटैच करेंगे, फिर हम एक छोटी सी क्ले बॉल बना लेंगे और उसे हम इसके बीच में प्लेस कर देंगे। और फिर हमें कोई ऐसे क्ले टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम पेन से नॉर्मल इसके बीच में होल कर सकते हैं। इसके बीच में होल कर देंगे, फिर जो पेन की रिफिल होती है हम इसमें थोड़ा और उससे फिर होल कर देंगे। हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब हम हमारे घर में कोई भी जो क्लिप ऐसी पड़ी हुई है उस क्लिप पे हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। तो पहले हम उस पर फैब्रिक ग्लू लगा देंगे उसके कॉर्नर्स पे। और अब हम इसमें अपना जो हमने फ्लावर अभी बनाया है उसको अटैच कर देंगे। उसके बाद हम फिर एक और क्लिप पे सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उसके कॉर्नर्स पे हम फेविकॉल लगा देंगे, फैब्रिक ग्लू लगा देंगे। उसके बाद फिर हम फिर से फ्लावर अटैच कर देंगे उसके कॉर्नर पे। तो हमारा अभी एक पेयर फ्लावर क्लिप का रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें कलर क्ले ही यूज़ किया था फोम वाला। तो मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।